शर्मा साहब को दो, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? मैडम, कुछ ही देर पहले हमने एक ऑफिसर को आरटीओ भेजा है डिटेल्स देकर। कमिश्नर साहब के भी ऑर्डर है कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। आप चिंता ना करें, कुछ ही घंटों में ऑफिसर आ जाएगा सारी जानकारी लेकर। आप घर जाइए, जैसे भी हमें कुछ पता चलता है हम आपको खबर कर देंगे। जानकी जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, आपकी परेशानी भी समझ सकती हूँ। जान से प्यारे बच्चे पे अगर कोई आ जाए तो उसकी माँ परेशान कैसे नहीं होगी। जो हालत आपकी है वो हालत मेरी भी हुई थी जब मेरी लाड़ू मुझे छोड़ के चली गई थी। खास करके तब जब पता चला था कि वो हमसे गिर गई, तो मैं तो पूरी तरह से टूट गई थी। आपके दिल की हालत को मैं बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त से गुजर चुकी हूँ। आप परेशान मत होइए, हौसला रखिए, आपके बेटे को ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी और आप देखना, आपके बेटे जल्दी से जल्दी घर आ जाएगी, वो भी सही सलामत, क्योंकि आपके अंबिका में मुझे अपनी लाडू दिखती है। वो उसी की शक बिल्कुल वैसी। आप परेशान मत होइए, उसे कुछ नहीं होगा, हम सब मिलके उसे ढूंढ लेंगे। माता रानी पे विश्वास रखिए। कितनी अच्छी है रेखा जी, सगी माँ की तरह प्यार करती है देविका से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त कि मैंने ऐसी माँ से उसकी बेटी को छीन लिया और अपना बना लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना रेखा जी। आगे बढ़ा है ना तो मार दूंगी मैं तुम दोनों को। देखो, मुझे कमजोर मत समझना, अगर एक कदम भी और आगे बढ़ा है ना तो यहीं पे मार दूंगी तुम लोगों को। अबे डर मत, पकड़ो उसे। चाकू चलाना चलाने की बस की बात नहीं है, वो उसे सब्जी काट सकती है। अबे कोरी धमकी दे रही है वो, डरियो मत, पकड़ो उसे। तू वहां से जा, मैं चलता हूं। नहीं, आगे आने की गलती मत करना, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। मैं सच में मार दूंगी तुम लोगों को, समझे? मैडम जी, चाकू चलाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर, समझे ना? आपकी धमकियों का असर हम पे नहीं होगा। आप अपनी फिक्र करो, हमारी फिक्र छोड़ दो, कहीं ये चाकू आपको ना लग जाए। मैंने कहा आगे मत बढ़ना, मैं मार दूंगी सच में। मेरे का रुको। कितना पीछे जाओगी, इस दीवार से निकल जाओगी तुम? जाओ पीछे, जाओ पीछे, अरे जाओ ना। ये डर क्या चीज है बेटा, सिर्फ इंसान के मन की कमजोरी है। एक ऐसा अंधेरा है जिसे सिर्फ मन की शक्ति ही जगा सकती है, और यही शक्ति तुम्हें अपने अंदर जगानी होगी बेटा। और फिर बेटा, जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो उसे डर किस चीज का? हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने मन में विश्वास जगाए रखना बहुत जरूरी है, और अपने बचाव के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने की हिम्मत रखना भी बहुत जरूरी है। अगर किसी अत्याचार की वजह से तुम्हारी जान पर बनाती है तो उस पर वार करने में कोई बुराई नहीं है बेटा, लेकिन हाँ, डर कर, हार मानकर अपने दुश्मन के सामने सर झुका देना बहुत बड़ी कायरता है, और मेरी बेटी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए बेटा, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए अगर तुम्हें हथियार भी उठाना पड़े ना, तो ये काम तुम्हें निडर होकर करना पड़ेगा। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, मेरा प्यार और विश्वास तुम्हारे साथ है, और इस बात को याद रखना। और फिर जब भी कोई तुम्हारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए तो निडर होकर हथियार उठाना, कि वो तुमसे खुद डर जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अंबिका ये काम कर दिखाएगी। अरे पकड़ उसको,
अरे यार सच में मार दिया इसने। क्या सोचा था मैं मार नहीं सकती। खबरदार अगर तुम दोनों में से किसी ने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं यहीं पे मार दूंगी तुम लोगों को। औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना। जब एक औरत कुछ करने पर उतर आती है ना तो ना मरने से डरती है ना मारने से समझे। आगे बढ़ना है, हिम्मत देखना चाहते हो मेरी, आओ देखो हिम्मत। अब जो हाथ आगे बढ़ेगा ना वो कटेगा। औरत को कमजोर समझने की गलती कभी मत करना क्योंकि उसकी शक्ति उसके मन में होती है समझे। तुम जैसे दुश्मनों का विनाश करने के लिए वो दुर्गा माँ का रूप धारण करती है जो आज मैंने किया है। ये चाकू कोई सब्जी काटने के लिए नहीं बना है, तुम जैसे लोगों का विनाश करने के लिए बना है जो मैं आज करूंगी। अपनी जान की परवाह है तो जाओ, जहाँ तुम्हारा साथी है वहीं जाओ। मैंने कहा जाओ उस कमरे में, चलो। मैंने कहा चलो जाओ उस कमरे में, चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी अंदर। मैंने कहा अंदर चलो। थैंक यू माँ, थैंक यू मेरी इतनी हिम्मत बढ़ाने के लिए, मेरा हौसला जगाने के लिए। आज आपके कहे शब्द मेरी शक्ति बन गए और सिर्फ उसी वजह से मैं मुकाबला जीत पाई। थैंक यू मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास जगाने के लिए कि मैं कहीं पर भी किसी का भी मुकाबला कर सकूं। थैंक यू माँ। कितने टाइम बाद अपने देविका से मिलूंगा मैं, उसे मिलने के लिए बेबस हो रहा मेरी देविका। मुझे बहुत बुरा हुआ अंबिका के साथ, उसे कौन अगवा कर सकता और क्यों? पैसों के लिए किया होगा देखना ये सब कुछ। मम्मी जी देखना ये लोग ना करोड़ों की फिरौती मांगेंगे, मैं बता रही हूँ। नहीं मुझे नहीं लगता कि ये सब पैसों के लिए किया, जरूर कोई और बात। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है, इन बिजनेस में कोई दुश्मन तो नहीं उनका? जो भी है ठीक नहीं हुआ, अंबिका तो बड़ी अच्छी लड़की है भाई। रवि कहाँ चले गए थे तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही थी और तुम अपना फोन भी नहीं उठाते हो, ना ही कॉल रिटर्न करते हो। और जब रेखा चाची ने तुम्हें फोन किया तब तुम कहाँ थे? एक्चुअली मैं जानकी जी के साथ तुम्हें वहाँ के मंदिर में था जहाँ से अंबिका का किडनैप। पर तुझे कैसे पता चला कि अंबिका किडनैप हुई? हमें तो वो रेखा जी ने बताया तब पता चला। माँ मैं वो जानकी जी के घर पर ही था जब अंबिका का फोन आया था कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह जानकी रायचंद के घर पे क्या कर रहे? अगर मैंने मिस लूथरा को बताया कि मैं वहाँ पर क्यों गया तो मामला और बिगड़ जाए, बेहतर यह कि मैं चुप रहूँ। वो एक्चुअली मैं कुछ पेपर साइन कराने गया था। कौन से पेपर? मिस लूथरा बहुत थक चुका। रवि मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? इसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो अंबिका को पहुंचाना जरूरी था, पर अगर ऐसा होता तो अंबिका मुझे इन्फॉर्म करती। रवि की आंखों से साफ जाहिर हो रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या? इसे मैं खड़ी खड़ी क्या कर रही हूँ, इससे पहले कि इनके कोई और साथी आ जाए या खुद वो किडनैपर आ जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कैसा रास्ता है, इतना सुनसान, ना कोई कार है ना कोई टैक्सी है, समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाऊं। मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास, माँ को कैसे बताऊं कि मैं किडनैप हो गई हूँ? माँ बहुत परेशान हो रही होंगी मेरे बारे में सोच सोच कर। भगवान किस तरफ जाऊं कुछ समझ। भैया क्या बता सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ की तरफ जाता है? मैडम जी उस तरफ तो हाईवे पड़ता है मगर रास्ता काफी लंबा है। प्लीज मैं आपका फोन 2 मिनट यूज कर सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ मैडम जी। थैंक यू, माँ को फोन करके बता देती हूँ। आपका फोन तो ऑफ हो गया है।
माफ करना मैडम जी, बैटरी खत्म हो गया है, मैं चलता हूँ। भैया मेरी